हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ सभी प्यारे बच्चों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया था कि 10 बजे क्लास होगी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के अंदर किस चीज की क्लास होगी? आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट सेकंड। तो जो जो मेरे प्यारे से प्यारे बच्चे लाइव नहीं जुड़े हैं, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ और इस सेशन को शेयर कर दो। अंकित आ जाओ। सर बेटा आ चुका हूँ, फिक्स 10 बजे मैं हाजिर था तो हाजिर हो चुका हूँ। शिवानी हेलो सर, जल्दी से कमेंट करके अपनी अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाए और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम सेकंड पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बेटा क्या, आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट फर्स्ट। शिवानी, राजकुमार, प्रदीप, रिया, जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। ध्यान दीजिएगा, देखो ठीक है। ज्योति मीना हेलो सर, हेलो बेटा। तो मैंने क्या कहा सर, बात करेंगे किसकी? प्रिंटर की। देखो प्रिंटर की आप लोगों के सामने मैं बात करना चाहूँ कि प्रिंटर क्या होता है। जरूरत कब पड़ी? इससे पहले हम आप लोगों को मालूम था कि हम लोग किस चीज के बारे में जिक्र कर रहे थे सर, आउटपुट डिवाइस। आपको पता है कि चल क्या रहा है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज की हम बात कर रहे थे, और आउटपुट डिवाइसेज के अंदर हमने बात कर ली थी कि आउटपुट डिवाइसेज के अंदर दो चीजों का मेन रोल होता है। आउटपुट डिवाइसेज के अंदर दो चीजों का मेन रोल होता है, एक तो हार्ड कॉपी के अंदर जो चीज आने वाली, यूज आने वाली हो, और एक आती है किसका मेन रोल, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। देखो जैसे सॉफ्ट कॉपी के अंदर जिस चीज का यूज होता था उसका नाम क्या था, मॉनिटर। और जिस चीज का यूज हार्ड कॉपी में होता है उसका नाम क्या होता है, मेनली प्रिंटर। मतलब एक चीज बताई थी आप लोगों को कि सर आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर का रिजल्ट शो करती है। क्या शो करती है बेटा? रिजल्ट शो करती है, परिणाम दिखाए। जो रिजल्ट शो करे वो क्या होता है बेटा आपका, वो होता है कि आपका आउटपुट डिवाइसेस होती है। जैसे आपको कोई भी सॉन्ग सुनने की इच्छा हो, आपने सॉफ्ट कॉपी के अंदर, मतलब सॉफ्ट कॉपी के अंदर उसकी चीज, मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आप मुझे आज देख पा रहे हो ना, वो एक आउटपुट डिवाइसेस की एक सॉफ्ट कॉपी है, ना कि हार्ड कॉपी। अब मेरी वीडियो को आप बाहर थोड़ी निकाल सकते हो, या तो मैं अंदर आ जाऊँ तुम्हारे पास या तुम मेरे पास, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये लाइव सेशन के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉपी है मॉनिटर। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ बात करें, अभी बेटा स्टार्ट ही बार रिपीट क्या करें, अभी सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो पहले का रिपीट कर रहे हैं। अब हार्ड कॉपी बात करना चाहिए सॉफ्ट कॉपी की, तो वो मॉनिटर की। अगर हार्ड कॉपी जिसका नाम क्या है, प्रिंटर, डिटेल एनालिसिस करना हमें प्रिंटर की क्यों रिक्वायर पड़ी, अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो बात करते हैं प्रिंटर की भाई, प्रिंटर की जरूरत क्यों महसूस हुई लोगों को, क्या इसके प्रिंटर के बिना काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल नहीं चल सकता था। आप लोग, आज डिजिटल जमाना हो चुका, लेकिन अगर मैं बात करूं आज भी बहुत ही जो आपके रिजल्ट परिणाम सारी चीज जो आती है वो सर एक हार्ड कॉपी के रूप में तो आती है, एक लिखित आंकड़ा जो मिलता है वो कौन देता है, हमें प्रिंटर देता है। जैसे कई प्रकार की संख्या हुई, कुछ डायग्राम हुए, कुछ ग्राफ्स हुए भाई आपकी, ठीक है। एक सिंपल सी बात कि भाई प्रिंटर की जरूरत सबसे मेन क्यों जरूरत पड़ी कि आप लोग देखो, कल को आपकी शादी होने वाली है, कल को आपकी शादी होने वाली है, आपको लड़की पसंद आ गई है। मैंने क्या कहा, आपको लड़की पसंद आ गई है। अब क्या किए लड़की के घर वाले, आजकल का तो जमाना थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि लड़की के घर वाले क्या करते थे, पहले एक फोटो भेजते थे, थे नहीं भाई भेजते थे, नहीं भेजते थे, एक फोटो भेजते थे और आप उसको क्या करते थे, सीने के लगा के रखते थे, भाई हाँ मुझे लड़की बड़ी पसंद आ रही है, ठीक है, तुमसे तो अच्छी तुम्हारी तस्वीर है, वही चीजें वो, मतलब कुल मिला के मतलब उसकी फोटो, सर शादी तो नहीं हो रही, हाँ कोई बात नहीं। और आजकल व्हाट्सएप का जमाना, आजकल चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है किसी भी कागज के ऊपर अंकित करने के लिए। कुर्बान सिद्ध की, हाँ भाई बोलो क्या काम है, ध्यान दो यहाँ पर पढ़ाई पर शिवम जी सारे बच्चे। तो दुनिया में सबसे पहले जिसने प्रिंटर के बारे में बताया था, बात कब की भाई, प्रिंटर की जरूरत कब तक महसूस हो गई थी, 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 15th सेंचुरी की सदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 15th सेंचुरी बोले तो 15वीं सदी की अगर मैं बात करना चाहूँ, एक वैज्ञानिक थे जोहान्स गुटनबर्ग। मैंने क्या कहा, जोहान्स गुटनबर्ग, ठीक है, ठीक है।
जोहान्स गुटनबर्ग नाम की एक वैज्ञानिक थी, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार समझना, जोहान्स गुटनबर्ग की बात बताना चाहूं तुम लोगों को। बर्गर जानते हो ना, बर्गर भाई, तुम सपोज करो किसी बर्गर वाली दुकान पे गए और आपको भूख लग रही, तो आपके सामने एक मेन्यू देता है, तो बर्गर बर्गर का आप लोगों सपोज करो आपको बर्गर के रेट पता करने हो, तो आप क्या करोगे, एक हार्ड कॉपी लोगे, लोगे नहीं, सालू निर्वाल, खुशी, सचिन, कालू, आई एम, बिल्कुल सभी को बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन, फोकस कीजिएगा क्लास को लास्ट तक, तब समझ पाओगे। तो यहाँ बर्गर से याद रख लेना ना, बर्गर की जरूरत महसूस हुई तो किसकी खोज कर दी गई थी, प्रिंटर के, मतलब गुटनबर्ग, ठीक है। जोहान्स तो हर जगह जिक्र आता ही है, लेकिन गुटनबर्ग वो घुट रहा था, इसलिए उसने क्या कहा, बर्गर की जरूरत महसूस हुई और उसने किसकी खोज कर दी, प्रिंटर की खोज कर दी, मतलब सॉफ्ट कॉपी में था, उसको हार्ड कॉपी में लाना चाहते थे, ठीक है। बर्गर ने खोज की थी प्रिंटर की, ऐसे याद रख लेना, रटना कुछ नहीं, रट्टा एप्लीकेशन है ही नहीं, वो घुटन महसूस हो रही थी इसलिए खोज हो गई। बात कब की, 1968 की, 1968 ईस्वी के अंदर, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, 1968 ईस्वी के अंदर दुनिया का सबसे पहला, मैंने क्या कहा, 1968 ईस्वी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दुनिया में सबसे पहला जो प्रिंटर था वो बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एप्सन कंपनी द्वारा बनाया गया था, एप्सन कंपनी जानते हो, जिसका नाम क्या था, EP1, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो बनाया गया था वो EP1 था, एप्सन कंपनी का बहुत ज्यादा जिक्र चलता है, मैंने क्या कहा, ये क्या था सर आपका, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है, मैंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज नोन एज द, वो कौन सा जाना जाता है भाई आपकी, एप्सन कंपनी का प्रिंटर। कितने प्रकार के पढ़ने वाले हम लोग, बिल्कुल बेटा बताऊंगा, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक इंपैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, मैंने क्या कहा, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, दोनों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी एक एक करके, मैंने क्या कहा दोनों के बारे में हमें जिक्र करना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दोनों को अभी एक एक को खोल खोल के पढ़ना है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर, और एक होता है बेटा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, देखो दो प्रकार के प्रिंटर पढ़ेंगे, एक होगा इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, देखो दोनों में ओवरऑल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, दोनों में मेरे कंप्यूटर के नोटबुक नहीं मिल रही, कोई बात नहीं भाई, ढूंढ लो दोबारा बना लो, ठीक है। अब उसके बाद मीना मिश्रा, हेलो सर, हेलो टू एवरीवन, मैंने क्या कहा बेटा, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर किसको बोलोगे और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आप लोग किसको बोलोगे, ठीक है। तो इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूं तो इंपैक्ट प्रिंटर उसको बोलते हैं बच्चा जिसके अंदर सर इंक का यूज होता है, मेनली इंक, ठीक है, जिसके अंदर जो एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, और ये टाइपराइटर की तरह कार्य नहीं करता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आज के समय जो चल रहे हैं वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर चल रहे हैं। और मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को, अभी इसकी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपैक्ट प्रिंटर हम पढ़ने वाले हैं। हम इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, जैसे हम जो जो इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, जैसे ड्रम प्रिंटर, मैंने क्या कहा बेटा ड्रम प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स, या डेजी प्रिंटर, नाम डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, मैंने क्या कहा ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। सर जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा पहला कि सर कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, कौन सा, सारे बच्चे फोकस ऑन दिस क्लास, किसी की कॉपी गुम गई, किसी की, बेटा शिवानी कॉपी गुम गई तो फिर पहले रो रही थी फिर हंस रही है,
पढ़ना नहीं है क्या? बसंती गोयल, हेलो सर, हेलो, ध्यान दो क्लास के ऊपर, मजा आता है तुम लोगों को फालतू में डरने में, सिर्फ पढ़ सकोगे फिर मैं ब्लॉक मार दूंगा तुम लोगों को, ध्यान देना। लाइन प्रिंटर या फिर बोले तो बेटा चैन प्रिंटर, ठीक है। मैंने कहा ड्रम प्रिंटर ये सारे, अच्छा ड्रम प्रिंटर दो बार लिख दिया ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, यहां ड्रम की जगह क्या लिखना था, डॉट प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये इंपैक्ट प्रिंटर है। अब जिसकी ज्यादा जरूरत महसूस होती है आज के समय, जिसको हम बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, लेजर एंड थर्मल प्रिंटर, कौन कौन से पढ़ेंगे इसके अंदर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर थर्मल प्रिंटर, देखो आप लोगों को पता है कि सर डायरेक्ट पहला क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं, समझना। कंप्यूटर कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग उसको हार्ड बना चुके हो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, उसको जितना माइंड के ऊपर सोचोगे उतना ही क्या हो जाएगा, आपको ऊपर हैवी हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं कभी किसी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चीजों को अच्छे से समझो, दिल लगाकर मन लगाकर अच्छे से पढ़ो। तो मैंने कहा लेजर थर्मल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, नाम लिख रहा हूं भाई आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो कोमा, ठीक है, हाँ फोटो प्रिंटर, ये दोनों भी क्या है बेटा, प्रिंटर है। एक आता है बेटा पोर्टेबल प्रिंटर, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मेमोरी का पार्ट नहीं आया सर, मेमोरी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, आज आउटपुट डिवाइस की जाएगी, कल मेमोरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, ये चीजें होगी। एक लास्ट की जो बच गया जगह है, दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, मैंने कहा पोर्टेबल, ठीक है, और एक यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये प्रिंटर हम पढ़ने वाले हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर, ध्यान रखना मेरे प्यारे इस प्यारे बच्चों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट, लेजर थर्मल, इलेक्ट्रॉनिक, फोटो प्रिंटर, पोर्टेबल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। अब आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से, मैं कह रहा हूं कि सीखना है ना सब्जेक्ट तो रुकना पड़ेगा, अदरवाइज भग जाना, भगते रहोगे जिंदगी में, कब तक भगते रहोगे, आज वहां कल वहां, तो आराम से शांति से दिल लगाकर पढ़ना है सब्जेक्ट को, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा पूरा प्रिंटर भाई। अब सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे की सेशन को कवर कर पाएं। आई थिंक बेटा आप लोगों का हो जाना चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ एक सेकंड के अंदर। देखो बात कर रहे थे प्रिंटर की, कि बात कब की, 15th सेंचुरी में जॉन्स गुटनबर्ग, बर्ग से मतलब बर्गर से याद रखोगे, प्रिंटर के बारे में बताया। 1968 ईस्वी में एब्सन नाम का पहला प्रिंटर आया दुनिया के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर आया EP1। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ा कि सर कौन कौन से प्रिंटर हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है इंपैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर ड्रम प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, एंड व्हाट्स अबाउट द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की मैं बात करना चाहूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, जिसके अंदर इंक जेट प्रिंटर आएगा, लेजर थर्मल प्रिंटर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर आएगा, फोटो प्रिंटर आएगा एंड पोर्टेबल प्रिंटर आएगा, एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये सारे के सारे नॉन इंपैक्ट हैं, और ये कैसे हैं इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब जिसके अंदर इंक का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा बेटा, जिसके अंदर इंक का ज्यादा यूज होता है, ये नॉन इंक वाले समझो, जिसके अंदर इंक का यूज होता है लेकिन स्लाइटली बहुत कम, जैसे लेजर के ऊपर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आधारित, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सर सीपीयू का टाइम कब तक आएगा बेटा, मेमोरी के बाद सीपीयू, देन ये हार्डवेयर कंप्लीट, ठीक है।
अब बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन मत लो, सब चीजें होंगी धीरे धीरे। पहले हम टॉपिक वाइज चलने की आदत है, भगना नहीं है किसी चीज के लिए, रुकोगे तभी तो सीखोगे कुछ। बात करते हैं किसकी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर दोनों के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट बिल्कुल भाई, एज का सैनिक जो भी है ध्यान देना भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने, इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर पहले इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंपैक्ट प्रिंटर में जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, मैंने क्या कहा, जो पहला पॉइंट इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना है, एक बार में एक लाइन या एक करेक्टर को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। नाम से याद रखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक बार में एक लाइन या बोले तो एक करेक्टर को टाइप कर सकता है। सब लोग याद रखेंगे कि किसको हम सर इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं, कि जो एक बार में एक लाइन या एक करेक्टर को टाइप कर सकता है, मतलब ये टाइप राइटर की तरह कार्य करेगा, टप 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 की आवाज आती रहती है, नहीं आती है, ठीक है, जय श्री राम भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर मैं अगले पॉइंट पे बात करना चाहूं, अगले ही पॉइंट पे मैं बात करना चाहूं, ये किसकी तरह काम करता है, यह एक टाइप राइटर की तरह क्या करता है, फंक्शन बोले तो कार्य करता है, ठीक है। मैंने कहा भाई ये एक टाइपराइटर की तरह फंक्शन करता है, काम करता है। इसका अगला कि अक्षर छापने के लिए या तो क्या लगे होंगे, छोटे छोटे पिन, अब यहाँ पिन वगैरह तो दिख रहे नहीं होंगे लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे पिन, और उनके ऊपर इंक होती है भाई, इंक स्याही या फिर रिबन पर चिपक जाती है, जिससे क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। एक सिंपल सी बात मैं लिखना चाहूँ कि कौन से होंगे जिसके लगे क्या होंगे बेटा, जिसके ऊपर क्या लगे होंगे, अगले पॉइंट पर मैं कहना चाह रहा हूँ, अक्षर छापने के लिए छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स लगे होते हैं। हैमर्स डालते हो तोड़ा, अभी था थोड़ी देर पहले मैं दिखा देता, ठीक है। मैंने कहा अक्सर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स लगे होते हैं, ठीक है। इंक जो होती है ना स्याही, जो मतलब क्या होगी, जैसे ही आप लोग कुछ टाइप करोगे वो रिबन के ऊपर जाकर चिपक जाती है, जिससे अक्सर पेपर के ऊपर छप जाते हैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाहूँ कि क्या होगी इंक, क्या होगी इंक, रबर पर जाकर चिपक जाती है, ठीक है। मैंने कहा इंक क्या होगी, रबड़ पर जाकर चिपक जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, अक्सर किसके ऊपर छप जाते हैं बेटा, कागज के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या कहा, सब हलवा है, फोकस ऑन दिस क्लास, अगर आप मेरी क्लास ले लियो तो सब कुछ सब अच्छे से हासिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा चिपक जाती है और फिर क्या होगा, अक्सर किस पर छप जाएंगे, अक्सर पेपर पर छप जाते हैं। जैसे आपने किसी के टाइपराइटर के पर यूज लिया होगा, मतलब इन प्रिंटर को हम कहते हैं कि बड़ी आवाज आती है, खट 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 ऐसे होता है, ठीक है। तो वो इसको हम नॉइजी प्रिंटर के नाम से जानते हैं, जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं बेटा इनको हम किस नाम से जानते हैं, नॉइजी, जो कि आप करते हैं बेटा शोर करने वाले प्रिंटर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है शोर करने वाले,
ठीक है। अब एक एक इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो मैंने बताया था कि जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सर ये अभी यूज नहीं होता, क्या होता है यही तो बताने वाला हूँ। इंपैक्ट प्रिंटर कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से यूज होने वाले हैं बेटा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं पहले इंपैक्ट प्रिंटर की ओर, जल्दी से ले लो बेटा, इतना लेने में टाइम नहीं लगता है, और चीज होती तो अब तक ले लेते। डन सर, बिल्कुल गुड। अब देखो देखो मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देना कि इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सी बात बता रहे हैं कि एक ऐसा प्रिंटर जो एक बार में या तो एक लाइन को छाप दे या फिर एक करेक्टर को छाप दे, वो क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। यह एक टाइपराइटर की तरह काम करता है, अक्सर छापने के लिए छोटी छोटी पिन या हैमर्स लगे होते हैं जिससे जो आवाज आती है वो इसी की आती है, ठीक है। नॉइजी प्रिंटर स्टोर करने वाला प्रिंटर क्यों बोला, क्योंकि उनकी जब आप सपोज करो जैसे ये इस तरह की आवाज आएगी, ठीक है, तो आवाज थोड़ी सी चुभती है ना, थोड़ा सा इसलिए इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया गया था ये चीजें। तो अब आगे चलते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर का सबसे पहले प्रिंटर की बात करते हैं बेटा, किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहला जो प्रिंटर बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आ जाओ, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, किसी चीज को पढ़ना हो तो ध्यान से। मैंने हेडिंग डाली किस चीज की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। सबसे पहले जो पढ़ रहे कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या जानते हो, जो नहीं जानते वो हम बताएंगे, जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात, अपनी दिल की बात दिल में रखो। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला ये कौन सा प्रिंटर है। मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा प्रिंटर है, तो सबसे पहले तो क्या आंसर करके आओगे, सर ये कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। मैंने कहा बेटा कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। अब पूछेगा कि सर इसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से अक्षरों को छापता है। पहला मैंने कहा कि कैसा प्रिंटर बताओगे, इंपैक्ट प्रिंटर है सर, बिल्कुल बेटा। दूसरा 50 से लेकर 550 करेक्टर प्रति सेकंड छाप देता है, कितने, मैंने कहा 50 से लेकर 550 करेक्टर अक्षर, कितने भाई प्रति सेकंड, मैंने कहा 50 से लेकर 550 तक जो अक्षर होंगे प्रति सेकंड छाप देगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम करेक्टर प्रिंटर के नाम से जानते हैं, अक्षर छापने वाला, ठीक है। मैंने कहा करेक्टर एक बार में केवल एक अक्षर को छापने का काम करता है, एक बार में केवल कितने अक्षर छापेगा, मैं लिखना चाहूं एक बार में केवल एक अक्षर को छापना, बस इसका काम क्या होगा, एक बार में बेटा एक ही अक्षर को क्या करेगा, ये छापता है। मैंने कहा करेक्टर प्रिंटर क्यों बोला, क्योंकि अक्षर को छापने का काम करेगा, एक बार में ऐसे आपने दबाया एक अक्षर छपा फिर एक, ठीक है, ये मार्कर चला गया, ठीक है उठा लेंगे। मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं सर, लेटर प्रिंटर के नाम से। कभी लेटर आपने कभी गए होंगे वकील के पास, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कोई केस शुरू हो चुका, आप लोगों का केस शुरू हो चुका, तो वकीलों का काम क्या है भाई, जो बाहर बैठे होते हैं टाइपराइटर वकील जो होते हैं, उनका काम होता है कि भाई वो सोचते हैं केस लंबा चले और हमारे पास पैसों का सोर्स ज्यादा बना रहे, तो इसलिए क्या करते हैं, जब तक केस चलता रहेगा तब तक आपको वो कहेगा कि बाहर नोट पैड के ऊपर जो बाहर बैठे वकील उनसे ही आप लोग टाइप करवा के लेके आओ, तो ही वो मान्य होगा, रोनी का साइन चलेगा, तो वो बस एक पैसा कमाने का सोर्स है। तो इसलिए आज भी जो वकील वगैरह जो यूज करते हैं वो मेनली इसी प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज और कहा, इसके बारे में मैंने क्या बताया, अगला पॉइंट कि इसके बारे में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, लेटर प्रिंटर के नाम से।
ठीक है, लेटर प्रिंटर के नाम से इसको जानते हैं। यूज इनका ज्यादातर कौन करते हैं बेटा, वकील ज्यादातर यूज करते हैं। इनका यूज मेनली वकील के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के समय जो वकील जो यूज करते हैं उसे प्रिंटर का क्या नाम बताना है, तो उसका आप लोग बताओगे कौन सा यूज करते हैं बेटा, डॉट मैट्रिक्स। ये हो गया पहले प्रिंटर के बारे में जिक्र कर लिया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, कोर्ट तहसील में यूज होता है, बिल्कुल सर। एक बार करेक्टर प्रिंट करता है तो स्पीड इतनी ज्यादा कैसे भाई, मिनिमम मैंने बताया कि मिनिमम पर सेकंड के अंदर भाई 50 से लेकर 550 करेक्टर पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, इतनी स्पीड होती है इसकी जो डॉट मैट्रिक्स होता है। डेजी व्हील प्रिंटर आता है ना सर, डेजी व्हील प्रिंटर, एक नाम लिख रहा हूं अगला। मैंने कहा डेजी व्हील प्रिंटर की बात करना चाहूँ, 10 से 90 करेक्टर प्रति सेकंड। ठीक है, मैं कहना मतलब इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ, ये दिखाई कैसा देता है, ये एक फूल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देगा, डेजी मतलब क्या होता है बेटा, फूल, किसका, गुलबार का फूल होता है ना, उसकी तरह दिखाई देता है। मतलब मैं बोलूँ तो एक तरह से पहिया है, पहिया, इसीलिए तो व्हील लिखा है मैंने, डेजी व्हील प्रिंटर। मतलब नाम से क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होगा ये भाई आपके, जैसे मैंने लाइन खींचना चाहूँ यहाँ पर, इस तरीके से होता है ये भाई, इस तरीके से होगा, एक पहिए की तरह। इसके ऊपर क्या नाम लिखे होंगे, जैसे यहाँ संख्या लिखी होगी 1, 2, 3, 4, यहाँ फिर क्या लिखा होगा, इस जगह थोड़े से आगे चले गए तो यहाँ लिख दिया होगा आपके क्या, ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे थोड़े से और आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या लिख दिया मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दिया क्या, क खै, इस तरीके से पूरे लिखे होते। मैं तो एक हल्का सा बताया है कि उस तरीके से होता है भाई आपके। तो मैंने कहा कि डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं, 10 से 90 करेक्टर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। मैंने कहा भाई इसकी 10 से 90 करेक्टर प्रति सेकंड। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि कैसा प्रिंटर है, तो क्या बता क्या होगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है बेटा ये, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये भी एक करेक्टर प्रिंटर की तरह काम करता है, करेक्टर को छापने की तरह काम करता है। तो ये भी किसकी तरह काम करता है, एक करेक्टर, करेक्टर प्रिंटर के नाम से जान जाता है। और किस नाम से जानते हैं इसको, ये चीज हो गई। एक आता है बेटा कौन सा, चैन प्रिंटर। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, चैन प्रिंटर, इधर नहीं जगह, इधर तो है ही ना, इसकी बात करना चाहते हैं चैन प्रिंटर की। मैंने कहा चैन प्रिंटर की बात करते हैं, नाम तो सुना होगा बेटा। चैन प्रिंटर की बात करना चाहूँ तो एक चैन सी बनी होती है, उसके अंदर अक्षर छपे होते हैं चैन के ऊपर। और फिर क्या होगा, मतलब इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, 400 से लेकर 2500 करेक्टर प्रति सेकंड। तो इसकी होगी ना, इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि सर इसकी स्पीड होती है 400 से लेकर 2500 करेक्टर प्रति सेकंड। सी से समझ जाना क्या है भाई आपके, करेक्टर। ठीक है, तो मैंने कहा 400 से लेकर 2500 करेक्टर प्रति सेकंड, कुछ इस तरीके से होगा ये बना हुआ। हम बना देते हैं एक तरीके से सर, चैन की तरह बना होता है। देखो इस तरीके से, यहां से एक गोला सा बना होगा, इस तरीके से होता है एक चैन इस टाइप से। इसके ऊपर ऐसे लिखे होते हैं भाई आपके, अलग अलग अक्षर छपे होते हैं। ठीक है, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी, डी, क, ख, ग, 1, 2, 3, ऐसे काउंटिंग पूरी बनी हुई होती है भाई आपके। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे जैसे आता, मतलब एक इसके ऊपर एक हैमर सा लगा होता आया,
छापा हेमंत मतलब ऐसे आया, फिर मतलब चैन घूमी, फिर छापा, फिर चैन घूमी, फिर छापा, जो छापना फिर चैन घूमी, ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है, एक चैन की तरह चलता रहता है। कौन भाई? आपकी चैन प्रिंटर, जिसको हम एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही बोलते हैं, इसके ऊपर एक हैमर लगा होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा होता है बेटा, हैमर बोले तो हथौड़ा। कोई पूछे तो कैसा बता क्या होगे, वही ये क्या है भाई, ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब एक आता है चैन प्रिंटर, चैन तो हो चुका है, एक आता है लाइन प्रिंटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया, थोड़ा लगा होता है। उसके बाद मैंने कहा बेटा एक क्या आता है लाइन, एक बार में पूरी लाइन छपती है, ठीक है, वो लाइन प्रिंटर होता है। इससे पहले मैं एक और करवा दूँ जगह के थोड़े से, अब चौथा क्या है बेटा, ड्रम प्रिंटर। भाई ड्रम प्रिंटर भी तो कैसा होता है, एक इम्पैक्ट ही तो प्रिंटर होता है, मतलब इसमें 300 से लेकर 2000 करेक्टर प्रति सेकंड स्पीड होती है, लाइन प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड मैंने कहा ड्रम प्रिंटर कितना होता है, इसमें 300 से लेकर 2000 करेक्टर प्रति सेकंड छप जाए, ठीक है। ये भी एक तरह का लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में पूरी लाइन छप जाए। मैंने कहा ये एक तरह से कैसा प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर। मैंने क्या कहा, लाइन प्रिंटर। और इसके अंदर मैं बताना चाहूं, एक बार में पूरी एक सपना, ये हो गया। हाय सर, लाइन प्रिंटर फर्स्ट क्लास बोल रहे हो क्या आप लोग? तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में, जल्दी से देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी सर, जी सर, गोट इट गोट इट गोट इट, फर्स्ट क्लास ये सारे। सर हम पेंटा कौन से यूज करते हैं? टाइप राइटर होता है, लिखने वाला भाई, अंकित इंडिया लिखने वाला, ठीक है। तो हम कौन सा प्रिंटर, वो तो डिपेंड करता है आपकी इनकम का सोर्स कितना है, कोई सा ही कर लो, सब मिलते हैं मार्केट में। आजकल तो ये प्रिंटर का जमाना जा चुका है, आजकल जो जमाना है वो बेटा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों का है। तो एक तो 10 से लेकर 90 करेक्टर प्रति सेकंड छाप सकते हैं, इसलिए इसको करेक्टर प्रिंटर, एक बार में पूरी एक लाइन छापने का काम करता है। ये इस तरीके से दिखाई देता है, वो तो होता है एक बार में एक पूरी लाइन, वो लाइन प्रिंटर, और वो किसी का भाग होता है ड्रम प्रिंटर का, जिसमें 300 से लेकर 2000 करेक्टर प्रति सेकंड होते हैं। स्पीड चैन प्रिंटर की होती है 400 से लेकर 2500 प्रति सेकंड, जिसके अंदर एक हैमर थोड़ा लगा होता है, ठीक है। वीडियो इज बफरिंग, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, सब कुछ तो क्लियर चल रहा है, ध्यान दो। सर पिछली क्लास क्यों नहीं चल रही? पिछली क्लास मैंने ली नहीं भाई, मैंने साइंस की क्लास ली नहीं, कोई प्रॉब्लम चल रही है भी मैंने ले ली। अब बात कर रहे हैं, आगे इंपैक्ट प्रिंटर हो चुके हैं, नाउ डिस्कस अबाउट द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। सर हेडिंग डालना क्या, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, मैंने हेडिंग डाली क्या, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है।
नॉन इम्पैक्टमेंट, तो ये कागज पर क्या करते हैं, प्रहार नहीं करते हैं अक्सर। मतलब मैं कुल मिला कहना चाहूँ कि सर जो ये प्रिंटर होते हैं ना, मतलब नॉइज लो, मतलब जिसका कोई भी थोड़ी बहुत भी क्या नहीं होती बेटा, आवाज नहीं होती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आएंगे भाई नीम का थाना, आएंगे नीम का थाना, तो ध्यान देना। मैंने कहा ये प्रिंटर की अगर मैं बात करना चाहूँ, नॉइज लो, मतलब साउंड क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। क्यों करते हैं कम साउंड? अगर सिंपल सी भाषा में एक लाइन के अंदर कंप्लीट करना चाहूं बेटा, क्या ये प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते हैं अक्सर, या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार या कागज पर छोड़ते हैं। आई बात समझ में? अक्सर हुआ या चित्र हुआ प्रिंट करने के लिए कागज के ऊपर स्याही की फुहार छोड़ते हैं। अरे बलम में पिचकारी, वो गाना सुना है ना, वो पिचकारी मारने वाला, वो सिस्टम होता है फुहार। भाई अपनी फुहारों का देखो, मतलब आप लोगों को भाई, आप एक पानी का जो प्रेशर डालते हो किसी के ऊपर, तो उसके अंदर भाई आपके टक टक की आवाज थोड़ी आएगी, वो तो डाल दो छप जाएगा पानी, रंग डाल दो किसी के ऊपर डल जाएगा। तो वो इस तरीके से काम करता है, कौन सा भाई, आपके नॉइज लो वाला, मतलब एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक केमिकल और इंजेक्ट तकनीकी का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अंदर किसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रो स्टेटिक एंड इंक जेट टेक्नोलॉजी, तकनीकी का यूज होता है। और भी कहा जाता है, मैंने कहा कैसा प्रिंटर है मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर, जिसकी क्वालिटी क्या होती है बेटा, गुड होती है। गुड क्वालिटी बोले तो सर ग्राफिक्स व अच्छी किस्म के अक्षरों को छाप सकते हैं। कोई भी ग्राफ्स बनाए आपने, कुछ अच्छी श्रेणी के चित्र बनाए, उनको छापा जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स व उच्च गुणवत्ता वाले अक्षरों को छापा जा सकता है। मैंने कहा ग्राफिक्स व उच्च गुणवत्ता वाले जो अक्षर होंगे उनको छापा जा सकता है, किसके द्वारा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के द्वारा। तो इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, अभी आया कि सर इंक जेट तकनीकी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का यूज हो रहा है, क्या है ये बेटा, इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक प्रिंटर को। तो जैसे मैं एक नाम लिखना चाहूँ आप लोगों के सामने कि सर आपने नाम लिखी दिया तो इसके बारे में बताए दो, बिल्कुल बता देंगे। मैंने नाम लिखा क्या, इंक जेट प्रिंटर। मैंने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इंक जेट प्रिंटर। क्या होता है इंक जेट प्रिंटर, नाम आ गया भाई सामने, तो इसका थोड़ा जिक्र भी कर लेते हैं। जिसकी गति या जिसकी स्पीड 6 पेज प्रति मिनट, एक मिनट के अंदर कितने पेज कर सकता है, छाप सकता है 6 पेज एक मिनट के अंदर। मतलब इसके अंदर कार्टेज की जो बोतल आती है, जैसे मैं कहना चाहूँ ये सपोज करो ये कोलिन है, तो कोलिन है भाई आपके सामने ही, तो ये कोलिन है भाई, ऐसे ही एक बोतल आती है जैसे इंक की आती है वैसे की वैसे, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ ये इंक की डब्बी है, ये इंक की डब्बी है, तो इसके अंदर इंक या बोतल या सीसी या फिर मैं बोले तो किसका भाई, नोजल का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज करते हो बेटा इसके अंदर, इसके अंदर कार्टेज इंक की जो बोतल होती है उसको हम बोल सकते हैं इंक की बोतल। में लिख देता हूं तुम लोग समझोगे ना,
जिसको सीसी के अंदर आता है ये, ठीक है, या फिर नोजल की बात करूँ वो डायरेक्ट आप लोग यूज ले सकते हो। ये चीज़ें डायरेक्ट इंक जेट प्रिंटर के अंदर यूज है, मतलब डॉट के माध्यम से डॉट 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 ये छप गया भाई आपका अक्सर खटाखट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने क्या कहा, एक मिनट के अंदर कितने पेज, मैंने कहा 6 पेज एक मिनट के अंदर, 6 पेज प्रति मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर 6 पेज छाप देगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, इसके अंदर 4 कलर होंगे, 4 कलर मेनली याद रखने, एग्जामिनर पूछेगा मैंने कहा कौन से 4 कलर होते हैं मेजरली। देखो नीला तो होता ही है, उसके अलावा मैं बताना चाहूँ नीले के अलावा जो मैजेंडा व लाल दोनों, अगर या तो मैजेंडा मिलेगा या ऑप्शन में क्या मिलेगा, लाल, ये याद रखना। मैंने कहा या तो एक तो नीला होगा या फिर मैजेंडा या लाल होगा या फिर पीला या फिर ब्लैक, मैंने कहा या फिर कैसा होगा पीला या फिर बोले तो ब्लैक, ये 4 कलर का यूज होता है मेनली, या तो नीला होगा या मैजेंडा या लाल में से एक होगा और या फिर बोले तो पीला और ब्लैक, ये 4 कलर होते हैं इसकी इंक के अंदर, तो कलरफुल प्रिंटर की तरह काम करेगा। मैंने कहा ये कैसा प्रिंटर होता है बेटा, डॉट प्रिंटर, डॉट प्रिंटर की तरह मैंने बोले तो बेटा डॉट के माध्यम से छापने का काम है। और ये एक कैसा प्रिंटर, डॉट प्रिंटर तो नहीं बोल सकते लेकिन डॉट के माध्यम से छापने का काम होता है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रख सकते हो के माध्यम से। मैंने कहा डॉट के माध्यम से छापने का काम होता है, ये चीज हो चुकी है। अब सर नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द लेजर प्रिंटर, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेजर प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। हो गया, होगा ही भाई, हम करवा रहे तो होगा ही ना। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रुक रहे हैं, बाकी बग जाते हैं दर्शन करके। मैंने कहा बात किसकी कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं सेकंड जिस प्रिंटर का नाम क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये सर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। मैंने क्या कहा ये कैसा प्रिंटर है, मैंने वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर बेटा ये, मैंने कहा बेटा कैसा प्रिंटर है ये, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जो क्या करता है 2000 के लगभग लाइंस प्रति इंच छाप देता है। मैं कहूं कि इसकी स्पीड क्या होगी, 2000 लाइंस प्रति इंच, फटाफट इतनी स्पीड होती है कि मतलब एक इंच के अंदर 2000 लाइन, मतलब इंच का नाम आ रहा भाई, मिनट होगी भाई आपके, सॉरी, ठीक है। मतलब कोई आपसे पूछे जनाब ये बताओ ये लेजर है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ रहे, हाँ इम्पैक्ट कहाँ लिख दिया भाई मैंने, सॉरी, आप लोगों का ध्यान है, मैंने कहा कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रख लेना भाई, थोड़ा सा माइंड सेंटर में नहीं है आज,
बाकी सब सही है, बस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ने जा रहे तो नॉन इम्पैक्ट याद रखना। हाँ भाई रुक जाओ, सबको पता है नॉन इम्पैक्ट है, बस नॉन इम्पैक्ट है भाई, कमेंट करना बंद करो, ध्यान दो। मैंने कहा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, 2000 लाइंस प्रति मिनट लगभग छाप देता है। लेजर की फुल फॉर्म बताओ, इतने कमेंट तो कर दिए, अब लेजर की फुल फॉर्म भी बता दो भाई, क्या होती है? नहीं मालूम, ये नहीं मालूम ना मुझे, पता है ना कमेंट। अब करो भाई जब नाम दिया है, लाइट एल आई जी एच टी लाइट, एक तो लाइट की तो एल से तो चलो मैं बना दिया, लाइट हो गई। इसके आगे भाई भाई इसी क्या बनाओगे, इसी क्या बनाओगे, एम्पलीफिकेशन। मैंने क्या कहा, एम्पलीफिकेशन, बाई देखो एस का मतलब क्या निकाल के आओगे, स्टिम्युलेटेड। मैंने क्या कहा, स्टिम्युलेटेड। अब देखो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड, इसे क्या मतलब होगा भाई, इसे क्या मतलब होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन, किस चीज की रेडिएशन, रेडिएशन से रिलेटेड याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्या बेटा, क्या भाई, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लाइट एम्पलीकेशन एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये याद रख लोगे, नहीं रख लोगे इसकी फुल फॉर्म, लेजर की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये हो गई। अब इसके बाद सर मैंने कहा ये हो गया, इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोल सकते हैं, इसके अंदर इंक होती है ना, वो एक ड्राई होती है, इंक कैसी होती है, ड्राई एक पाउडर के रूप में, जो मैक्सिमम कागज से चिपकने का काम करती है। इंक कैसी होगी बेटा, इंक कैसी होगी, इंक कोई पूछे तो कैसी इंक होती है, ड्राई इंक होती है। ड्राई इंक बोले तो क्या मतलब सर, इससे जो कागज से मैक्सिमम चिपकने का काम करेगी, कागज से मैक्सिमम चिपकना, ऐसी इंक होती है जो कागज से तुरंत चिपकने का काम करेगी। फंक्शन कैसे, काम कैसे करेगा, मतलब करंट पास करवाया जाएगा। देखो चार मतलब इसके अंदर सर माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा ऐसा प्रिंटर बोल सकते हैं जिसके अंदर सर मेमोरीज होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, रोम होती है, ये सारी चीज़ें होती है सर। ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर आप लोग क्या बोल सकते हो सर, माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, कुल मिलाकर मैं कहूँ तो रैम रोम सीपीयू सारी चीज़ आगे बोले तो मेमोरी, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं भाई, मतलब आप लोग इसके अंदर सेव कर देते हो बटन दबा के कि हाँ पांच फोटो निकाल, तो मेमोरी से वो निकालता रहेगा, मतलब तुरंत वो मेमोरी की तरह काम करता है भाई आपके, ठीक है। एक करंट सप्लाई करोगे कार्टिज से निकलेगा तो आपने एक 3D इमेज वगैरह भी निकाल सकते हो इससे आप लोग, ठीक है। इससे कैसी 3D इमेज भी निकाल सकते हो, अरे ज़्यादातर यूज नहीं करते क्या आजकल, ये तो यूज करते हो मैक्सिमम, लेजर प्रिंटर का ही तो यूज होता है जिससे हम लोग कितनी कैसी इमेज निकाल सकते हैं बेटा, 3D इमेज भी निकाल सकते हैं। आज के समय ज़्यादातर इसी प्रिंटर का यूज मैक्सिमम होता है। नाउ लेट्स द डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रिंटर इज ए थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इज ऑल्सो ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी कैसा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने कहा बेटा कैसा होता है नॉन इम्पैक्ट, सारों की स्पीड ये लाइंस हो गई प्रति मिनट, अब उसके बाद सर इसकी स्पीड बात करें थर्मल प्रिंटर की, 8 इंच प्रति सेकंड आएगी भाई, एक 8 इंच तक टाइप कर देता है, कितनी सेकंड में भाई, 1 सेकंड के अंदर, कौन भाई आपके थर्मल प्रिंटर के अंदर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब ये इसके ऊपर क्या होगी, एक वैक्स चढ़ी होगी, वैक्स कोटेड का कपड़ा। मैंने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक वैक्स के रूप में मोम वाला कागज आता है, वो होता है भाई इसके अंदर, जो ATM के अंदर देखा होगा आपने,
एटीएम देखा है क्या, एटीएम का जब आप लोग प्रिंट निकलवा के लेके आते हो, शॉपिंग मॉल के अंदर टिकट आती है, बस कंडक्टर देता है टिकट, वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो मैंने क्या कहा भाई आपकी कि वैक्स कोटेड, वैक्स कोटेड वाला सिस्टम होता है, इसके अंदर मोम वाला कागज लगा होता है। जिसका यूज किसके अंदर होता है भाई आपकी, इसका यूज होता है जैसे एटीएम के अंदर, एटीएम के अंदर जब पैसे निकाल के लाते हो क्या होती है एटीएम की फुल फॉर्म, सब जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से इसको हम जानते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर यूज होता है, बस कंडक्टर यूज करते हैं टिकट के रूप में, थर्मोक्रोनोमिक प्रिंटर के नाम से जानते हैं इसको। और किस नाम से जानते हो बेटा आप लोग, क्रोमिक प्रिंटर के नाम से भी जानते हो इसको आप लोग, किसको बेटा, थर्मल प्रिंटर को। नाउ लेट्स द डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करना। मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ, और तुम लोग बस कंडक्टर या फिर बोले तो कौन यूज कर, किस में यूज करते हो, शॉपिंग मॉल के अंदर जो भी शॉपिंग करके लाते हो तो उसका बिल वगैरह किससे होता है बेटा आपकी, एक थर्मल प्रिंटर के से ही एक आपका बिल वगैरह छपता है। अब बात करना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की, मैं बात करना चाहता हूँ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की, बोले तो जिसके अंदर एक जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 5000 लाइन्स, हाँ बिल्कुल बेटा 8 इंच पर सेकेंड ही टाइप करता है ये, ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर की बात करना चाहूँ, इसके अंदर क्या होगा 5000 लाइन्स प्रति सेकेंड होती है। मैंने कहा अगला क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर होता है और एक होता है अगला बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टेटिक होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूं। ये सब जानते हैं कि ये दोनों प्रिंटर कैसे होंगे, दोनों के दोनों नॉन इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रोस्टेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर के अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों के एक तो स्पीड के अंदर फर्क होता है, और एक दोनों एक के अंदर करंट पास होता है, मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी बिल्डिंग भवन वगैरह की फोटो वगैरह जो पूरा फ्रेम करवाना हो तो किसका यूज करते हो तुम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का, ठीक है। मतलब 10-15 मिनट की और बात है भाई आपकी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा आउटपुट डिवाइस, लास्ट 10 या 15 मिनट तो ध्यान दो। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब 5000 लाइन प्रति सेकंड, पहले तो इसकी बात करता हूँ आप लोगों के सामने कि कितनी स्पीड होगी, 5000 लाइन्स प्रति सेकंड। मैंने कहा 5000 लाइन्स प्रति सेकंड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कौन सी चीज़ का यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड का यूज करते हो, ठीक है। आजकल न्यूज़पेपर, मैगजीन, मैप जो बनाते हैं, मैंने कहा क्या कहा भाई इसके अंदर किसका यूज होता है, जिंक ऑक्साइड का, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मैप, ये सारा, या बुक वगैरह, ये सारी किससे छापने, कौन से प्रिंटर का यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इतनी स्पीड होगी तब तो इतनी चीज़ें न्यूज़पेपर वगैरह छप पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं छप पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की बात करना चाहूँ, इसकी स्पीड कितनी होती है, 250 पेज प्रति मिनट, एक मिनट के अंदर, ठीक है। मैंने कहा भाई 250 पेज प्रति सेकेंड, सॉरी 250 पेज प्रति मिनट, प्रति सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, 250 पेज प्रति मिनट क्या होती है इसकी स्पीड होती है। कहाँ यूज लेते हो बेटा, बिल्डिंग भवन वगैरह इन सभी के अंदर यूज होता है, किसका, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, नीचे लिख दिया गया, ओ माय गॉड ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, नाम बोल रहा हूँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, घर की बात है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में करवा दिया, ठीक है, सही तो है, सॉरी सॉरी भाई, सही था रे, कुछ गलत नहीं है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का यूज़ कहाँ करते हो तुम लोग? बिल्कुल सही है सर, सब सही है, पहले वाला ही सही था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बाकी सब सही है, कुछ नहीं चेंजमेंट करना। वो ये कहाँ भाई यूज़ करते हो? बिल्डिंग भवन में, सब कुछ सही था भाई आपके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर तो होता है भाई आपके जो जिंक ऑक्साइड न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह जिसके अंदर आप लोगों की सारी चीज़ छपती है वो होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो। अब एक नया प्रिंटर आई थिंक यूट्यूब के ऊपर तो कोई कराया नहीं होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ एक सबसे हटकर चीज़, क्योंकि काम होता है ना कि वो चीज़ जो अलग होती है भाई आपके, मतलब एक वाटर जेट प्रिंटर 2014 के अंदर चीन में विकसित किया गया था, वाटर जेट प्रिंटर, मतलब इसमें क्या होगा कि जो प्रत्येक पेज का समूह होगा वो डजन्स में बार बार प्रिंट करना, मतलब डजन समझते हो, 12 पेज एक साथ हुए, फिर 12 पेज एक साथ, फिर 12 पेज एक साथ, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूँ ये सबसे पहले कहाँ चाइना के अंदर विकसित किया गया था, मैंने किसकी बात कर रही हूँ, वाटर जेट प्रिंटर की, वाटर जेट प्रिंटर कब विकसित किया गया था बेटा? 2014 में चीन में विकसित, मैंने कहा वाटर जेट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात है, चाइना ने इसको विकसित कर दिया था। क्या था? प्रत्येक पेज का समूह डजन्स के रूप में बार बार प्रिंट होता था। मैं बताऊँ क्या होता है भाई, प्रत्येक पेज डजन्स के रूप में, डजन्स जानते हो भाई आपके, दर्जन के रूप में, बार बार प्रिंट होना, ये काम किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? वाटर जेट प्रिंटर, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर नहीं आया तो आ जाएगा, टाइम से मत लो, क्योंकि चाइनीज चीज़ तुम लोग ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो, मैं बताता हूँ, लेकिन मत करो भाई, आपके अभी बता रहा हूँ, हम भी बंधे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जितना मार्केट है वो लगभग चाइना ने अपना पूरा का पूरा कवर कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं भाई आपके, मतलब क्या, एक ओक्जो आयोडाइन का यूज़ किया गया है, प्लस कुछ कंपाउंड का यूज़ करके उसका मिक्सर बना के इसको बना दिया गया। तो कोई और भी कोई पूछे, और ज़्यादा तुमसे कोई पूछे तो क्या बता, क्या हो गया, ओक्जो आयोडाइन प्लस कंपाउंड का यूज, इन दोनों का यूज हुआ, ओक्जो आयोडाइन प्लस कंपाउंड का क्या हुआ बेटा, यूज हुआ किसके अंदर? वाटर जेट प्रिंटर के अंदर। तो ये कर लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ छोटे से पार्ट बच गए, जैसे प्रोजेक्टर हुआ, प्लॉटर हुआ, स्पीकर हुआ, हेडफोन्स हुए, क्या चीज़ होती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब 10-15 मिनट का और बच गया। आउटपुट डिवाइस, हो गया क्या? हो गया तो चलो आगे चलते हैं, अलग अलग कुछ आउटपुट डिवाइसेस और बच गई। पूरा बोर्ड भर जाता है भाई छोटी छोटी चीज़ों को करवाते हुए, क्योंकि इतनी चीज़ करवाता नहीं ना कोई तुम्हें, हम एक एक लाइन में सोच रहा हूँ कि कोई गलत ना हो, तुम लोगों का क्वेश्चंस बाहर नहीं जाए कंप्यूटर में। अब देखो प्रिंटर भी कितना बड़ा, एक घंटे प्रिंटर पढ़ा दिया और एक घंटे में बकवास कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, करते रहते हैं बकवास आधा टाइम, तो उसमें बिल्कुल कंटेंट दिया बेटा आपको, एक घंटे से कंटेंट ही चल रहा है, समझ रहे हो ना। आगे चलो बेटा, आगे तो चलूँगा, अब बात करते हैं किस चीज़ की सर, अब आगे बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोजेक्टर की।
प्रोजेक्टर का नाम आई थिंक ऑल्स्टर, अच्छी बात है। तो मैंने कहा प्रोजेक्टर की बात करना चाहूँ, एक वैज्ञानिक था ईयर वियर्ड, ईयर मतलब कहाँ से याद रखना, वियर्ड में ब्रिज, ब्रिज से याद रख लेना ऐसे, ईयर्ड अरे ईयर कैसे लिखे हैं, ईयर वियर्ड ब्रिज, बात कब की है 1879 की, 1879 में क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था ईयर्ड वियर्ड ब्रिज ने, इसके बारे में खोज की थी ईयर वियर्ड में ब्रिज ने इसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी बेटा आपकी प्रोजेक्टर की, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हो, कंप्यूटर से कोई भी सूचना प्राप्त होती है ना या कोई डेटा होता है उसको एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, तो प्रोजेक्टर का नाम सबने सुन रखा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक लाइन याद रखनी है क्या, कंप्यूटर से कोई भी डाटा होता है जैसे मूवी वगैरह देखते हो तुम लोग जो हॉल वगैरह के अंदर, वो इसी से देखते हो, कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए, किसका यूज करते हो, प्रोजेक्ट का यूज करते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के बाद एक होता है प्लॉटर, प्लॉटर नाम सुना हो तो किसी विद्यार्थी ने कि सर प्लॉटर क्या चीज होती है, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कुछ लोग। देखो इसकी खोज करने के लिए 1953 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया, कौन, रेमिंगटन रेन, याद रख लेना, क्या याद रखना, खोज किसने की थी, रेमिंगटन रेन 1953 के अंदर, 1953 ईस्वी के अंदर इसकी खोज कर दी थी, सुना है सर, अच्छी बात तो सुना है तो, ठीक है। 1953 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी, मतलब ग्राफिक्स अगर आपको अच्छे से क्लियर देखने तो प्लॉटर का यूज करना है, आज आपको मानचित्र दिखाने हैं या कोई ग्राफ्स या स्क्रेच दिखाना हो किसी का तो इसका यूज करते हैं, तो कहाँ यूज करते हो, ग्राफिक्स या किसी का स्क्रेच या फिर कोई मानचित्र, इसके अंदर किसका यूज करते हो आप लोग बेटा, प्लॉटर का यूज करते हो। देन वेयर इज यूज ऑफ स्पीकर, या जिसको हम लाउड स्पीकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल नाम का एक वैज्ञानिक था 1876 ईस्वी में, जिसकी खोज की थी, किसकी बेटा, स्पीकर की, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कार्य करता, तो स्पीकर तो जानते हो भाई। अब ये भी मैं तुम्हें समझाऊं कि स्पीकर क्या चीज होती है, जो आज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना स्पीकर के थ्रू सुन पा रहे हो, ठीक है, आज स्पीकर के कारण ही आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कार्य करता है, आज मेरे को सुन पा रहे हो तुम लोग, वो सिर्फ स्पीकर के कारण ही सुन पा रहे हो, स्पीकर नहीं होता आवाज नहीं आती तो नहीं सुन पाते एक, या फिर कुछ लोग स्पीकर के थ्रू डायरेक्ट सुन रहे, या कुछ लोग क्या सुनते हैं, हेडफोन के थ्रू। अब एक होता है क्या, हेडफोन, हेडफोन्स का नाम तो सुन रखा होगा ना सबने, ठीक है। हेडफोन्स की बात करना चाहूं तो एक वैज्ञानिक था कौन भाई आपके, नेथलियन बेल्डविन, बेल्डविन, नेथलियन बेल्डविन थे 1910 ईस्वी में यूएस के अंदर खोज कर दी थी,
भाई मतलब क्या होते थे कि तुम लोग कोई भी प्राइवेसी चाहिए ना तुम्हें, तो प्राइवेसी के लिए तुम लोग हेडफोन का यूज करते हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जो घरवालों के सामने नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, तो क्या होती है कि चुपचाप आप कानों में लीड लगा ली, आराम से गाने सुन रहे हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी यही कार्य करता है, जिसके अंदर क्या होता है एनालॉग ऑडियो पार्ट पर कार्य करता है, ठीक है। जो एनालॉग ऑडियो पार्ट के ऊपर ये वर्क करता है, कौन भाई? आपके हेडफोन्स। एनालॉग हेडफोन का नाम कहाँ लिख दिया भाई आपके? ये काम होता है किसका मेरे प्यारे बच्चों? हेडफोन्स का। तो ये आपका आउटपुट डिवाइसेस क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका। प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे के सारे, ये सब के सब क्या है बेटा? एक आउटपुट डिवाइसेस है। क्या है ये? एक आउटपुट डिवाइस है। तो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, भेजे में घुसा नहीं घुसा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। अब हार्डवेयर के अंदर हमारी क्या रह रही है? मेमोरी रह रही है, जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी रैम रोम बच रहा है और सीपीयू बच रहा है। देन हार्डवेयर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरी, मेमोरी के बाद सीपीयू, ठीक है। अरे भाई खेत राम मोदी जी, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था भाई? भाई चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। ये प्रीवियस जो वीडियो आप देखो, किसने किया था, मॉडर्न का कौन है, कंप्यूटर की माता कौन है, कंप्यूटर का पापा कौन है, सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। घुस गया है सर, अच्छी बात है, ठीक है। तो एंट्री करना चाहिए माइंड के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, शेयर करो, स्टेटस लगाओ, ठीक है। वाटर स्पीड की, जेट प्रिंटर की स्पीड मालूम नहीं भाई, चेक कर सकते हो, ठीक है। और प्रीति वगैरह सारे प्यारे बच्चे जो भी लास्ट तक लाइव देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहो, आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेहनत करो, खुश रहो, जिंदगी के अंदर खुश रहना सीखो। एक दो दिन की क्लासेस का शेड्यूल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कंटिन्यू वो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। कोशिश करूंगा मैं पूरी जल्दी से जल्दी कंप्यूटर आपका कंप्लीट करवाने की, हो जाएगा, टेंशन मत लो। दिल्ली पुलिस के एग्जाम अभी टाइम है, बस आप पीछे वाला जितनी चीजें करवा दी गई उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि मुझे पता है यार 40-42 वीडियो तो बायोलॉजी की करवा दी तुम लोगों को, और अभी बायोलॉजी कंप्लीट भी सर, ज्योग्राफी करवा दी 40-42, फिजिक्स करवा दी, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, फिर लगभग लगभग 3-4 चैप्टर, तो मतलब बहुत चीजें हो चुकी, उनका रिविजन करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।